जब अचानक से दिल करे डोसा खाने का, तो लेकर आई हूँ प्याज डोसा की ऐसी रेसिपी जो झटपट बनकर तैयार हो जाता है और झटपट बनकर तैयार होने वाले आसान खानों की रेसिपी आपको मिलती है वेजिटेरियन फूड बाई नीना में। डाला है इसमें एक खास मसाला जिसे डोसे में डालकर आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और देखने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। इस डोसे के साथ आपको आलू और सांभर बनाने का कोई झंझट नहीं करना पड़ेगा। नारियल की चटनी अगर पसंद हो तो उसे आप बना सकते हैं, पर मैं तो टोमेटो सॉस के साथ इसका आनंद बड़े आनंद से लेती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी बनता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीना। वेजिटेरियन फूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। ये है खील, जिसे हम लावा भी कहते हैं। दीपावली पूजन के लिए हम बड़े शौक से इन्हें ढेर सारा खरीद कर ले आते हैं और पूजा के बाद कुछ दिन इन्हें हम चाय के साथ फ्राई करके खाते हैं, और जब उससे भी जी ऊब जाता है तो ये ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो आज हम इस डोसे को बनाएंगे इन्हीं खील से, और इन्हें हम साफ कर लेंगे और इसमें ये जो धान रहते हैं लावे के साथ लगे रहते हैं, इन्हें हम निकाल कर अच्छे से साफ कर लेंगे। तो थोड़े से लावे को साफ कर लिया है और यहाँ पर उसी में से दो बोल बड़े वाले भर के लावा लिया है और इसे एक बड़े बोल में डाल दिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे जल्दी जल्दी वॉश करेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए इस काम को हमें बहुत जल्दी करना होगा। एक पानी से हमें इसे साफ कर लेना होगा, और एक पानी से साफ कर लिया है। अब इसमें लगभग मेजरिंग कप से एक कप पानी डालकर इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए भिगाकर रख देंगे। और 15-20 मिनट बाद ग्राइंडर जार में इसे हम डालेंगे। और डालने के बाद कवर करके इसका हम एक बारी पेस्ट बना लेंगे। एक छोटा चम्मच डालेंगे चीनी। चीनी क्यों डाला है ये जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो में, और कवर करके इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनकर तैयार है। अब कुछ और चीज़ें भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर लिया है 1/4 कप सूजी, 1/4 कप बेसन, आधा कप दही और स्वादानुसार नमक। यहाँ पर एक चम्मच मैंने नमक का इस्तेमाल किया है, आप स्वादानुसार ले सकते हैं। और अब इस सारी चीज़ों को एक बार फिर से हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और ये बैटर बनकर तैयार है। अभी आपको ये बैटर पतला लग रहा होगा, पर जो हमने इसमें सूजी डाली है जब वो जब फूलेगी तो बैटर गाढ़ा हो जाएगा। और अभी इसमें एक चीज़ और डालनी है, वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। कर देंगे इसे 15 से 20 मिनट के लिए कवर और रेस्ट होने के लिए रख देंगे। 15 से 20 मिनट बाद अब इसमें डालेंगे एक और चीज़, वो है 1/4 कप 1/4 कप गेहूं का आटा। अगर बैटर पतला है तो इसकी मात्रा को आप आवश्यकता अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। और आटे को भी हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, वरना डोसा अच्छा नहीं बनेगा। और डालेंगे इसमें आखिरी इंग्रेडिएंट 1/4 कप का भी, सॉरी 1/4 चम्मच का भी आधा बेकिंग सोडा। इसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। और तवा पहले से ही गर्म है, हाई फ्लेम पर करेंगे उसे ऑयल से ग्रीस, और पेपर नैपकिन से पहले इसे अच्छे से पोंछ देंगे, क्योंकि जब भी हम डोसा बनाते हैं तो उसके लिए पहले हमें तवे को तैयार करना पड़ता है। ये नहीं कि तवा चढ़ाया, बैटर फैलाया और डोसा बन गया, ना जी ना, ये डोसा कभी नहीं बनेगा, खराब हो जाएगा। तवा चूँकि बहुत गर्म रहता है, इसलिए पहले हम डालेंगे इसमें पानी की छींटे, इसके टेम्परेचर को करेंगे कम, कपड़े से अच्छे से पोंछेंगे और अब डालेंगे इसमें हम बैटर। तो जितना बड़ा आपको डोसा बनाना है
उतना आप बैटर डालें, अच्छे से फैलाएं। और डालें इसमें थोड़ा सा ऑयल। ऑयल डालने के बाद एक और अच्छी चीज़ मैं इसमें डालूंगी, जाड़े का दिन है, तिल जाड़े में बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा लगभग आधा चम्मच सफ़ेद तिल स्प्रिंकल कर देंगे और पलटे से उसे प्रेस करते हुए दबा देंगे, जिससे ये बैटर पर अच्छे से चपक जाए। और इसके किनारों को छुड़ाते हुए डोसे को पलट देंगे। इस डोसे को हमें दोनों साइड से बराबर सेकना होता है। चावल वाले डोसे को हम एक ही साइड से सेकते हैं, पर इस डोसे को हम दोनों साइड से सेकेंगे। और अब डालेंगे इसमें एक खास मसाला, ये है पास्ता मसाला। इसे आपने डोसे पर कभी ट्राई नहीं किया होगा, पर मेरे कहने से आप एक बार इसे ट्राई करिए, स्वाद बहुत ही बढ़िया आएगा। मिर्च पसंद करती हूँ तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल लें और बारीक कटी हुई प्याज डालें, थोड़ा सा हरी धनिया डालेंगे और 2 मिनट इसे सेकने के बाद रोल कर लेंगे। तो बढ़िया सा प्याज का डोसा बनकर तैयार है। रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, उंगली जल चुकी है, इसे इग्नोर करें और रेसिपी पर ध्यान दें। तब आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ भी आपको सुनाती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी बना है। टोमेटो सॉस के साथ इसका आनंद लेंगे। आवाज सुन सकते हैं, तो खील से बने इस डोसे की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहेंगे। और मैं चली इसे खाने, आप जाइए इसे बनाने। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।